कल हमने स्टार्ट किया था बॉयल्स लॉ वी प्रोपोर्शनल 1 बाय पी एट कांस्टेंट टेंपरेचर। ये बॉयल्स लॉ है, इसका मतलब था कि एक कांस्टेंट टेंपरेचर वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्स टू देयर प्रेशर। और फिर हमने फार्मूला बना लिया था P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू K। मतलब ये P1 V1 का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। उसमें ग्राफ बनाए थे 5, उसकी कहानी हमने कल खत्म की। आज हम स्टार्ट करेंगे चार्ल्स लॉ। ये गैस के 5 लॉ है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राहम डिफ्यूजन लॉ, गैस-लॉ, एवोगैड्रो। ठीक है, डाल्टन का पार्शियल प्रेशर लॉ है, ऐसे 5-6 लॉ है इसमें गैस से रिलेटेड। ये दूसरे नंबर का है, दूसरे नंबर का जो लॉ है उसको बोलते हैं चार्ल्स लॉ। इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है बट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो चार्ल्स क्या बोलता है, किसी भी गैस का टेम्परेचर हम इंक्रीज कर दें तो वॉल्यूम में एक्सपांशन करते हैं, टेम्परेचर डाउन कर दें तो गैस कंप्रेस होती है, प्रेशर कॉन्स्टेंट होना चाहिए। ये सिंपल सा चार्ल्स लॉ है। तो फार्मूला क्या बना, बी प्रोपोर्शनल टू टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड का रिलेशन भी समझ में थी। जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में बदलना है, आप किसको प्लस करोगे, 273 प्लस 25 298 केल्विन। ये केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड का रिलेशन है। चलिए, तो चार्ल्स लॉ क्या है, सिंपल सी बात है, चार्ल्स लॉ में कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब भाई टेम्परेचर है तो उसने एक्सपेरिमेंट भी तो किया होगा टेम्परेचर से, ऐसे थोड़ी फालतू बकवास बोल दी। टेम्परेचर से उसने वॉल्यूम का एक्सपेरिमेंटल कोई ऑब्जर्वेशन किया होगा, उसके बेस पे उसने ये लॉ प्रपोज किया। तो उसने क्या किया, किसी भी गैस को लिया, उसके इनिशियल वॉल्यूम को मेजर किया। उस गैस का इनिशियल वॉल्यूम क्या था, जीरो, वी जीरो। ये गैस का इनिशियल वॉल्यूम है। अब क्या किया उसने, 1 डिग्री टेम्परेचर राइज किया। कितना डिग्री टेम्परेचर राइज किया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री केल्विन। केल्विन को डिग्री नहीं लगती, 1 केल्विन बोल सकते हो, और डिग्री सेंटीग्रेड में डिग्री लगती है। तो किसी भी गैस को उसने लिया, उसका इनिशियल वॉल्यूम क्या था, बी जीरो, 1 डिग्री टेम्परेचर राइज किया। तो उसने देखा कि गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है ना। आप खुद इमेजिन करिए, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होता, गैस एक्सपांशन कर, कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, 1/273 बी जीरो क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। तो चार्ल्स ने क्या दिया, अपना लॉ क्या प्रपोज किया कि किसी भी गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करें तो उसका वॉल्यूम उसके ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर आप डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज होगा, इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज होगा। अरे बात समझ में आ गई होगी, सिंपल सी बात है। अब इसका उसने फार्मूला प्रूव किया, ये वाला फार्मूला बाद में लेंगे, पहले इस बात का फार्मूला बनाएगा। क्या बोला उसने कि किसी भी गैस का इनिशियल वॉल्यूम है, उसमें 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, चेंज किया, तो उसका गैस का वॉल्यूम उसके इनिशियल वॉल्यूम का 1/273 चेंज होगा। इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम टेम्परेचर से रिलेटेड। तो इसका पहले फार्मूला लिखेंगे, क्या उसने अपने को समझाया। अब वॉल्यूम चेंज हुआ टी डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब 1 डिग्री इंक्रीज किया तो उसको अपन टी डिग्री मान, ये भी टी डिग्री सेंटीग्रेड का वॉल्यूम, ये कौन सा डिग्री का, इनिशियली वॉल्यूम 0 डिग्री मान कर इक्वल टू वी जीरो प्लस पी बाय 273 किसका,
वी जी होगा, ये फार्मूला बनेगा यहां से यहां तक। अब इसको क्या मतलब हुआ ये समझिए, ये वी टी इंक्रीज टेम्परेचर का वैल्यू है, मतलब आपने टी डिग्री इंक्रीज किया, टी डिग्री कुछ भी मान सकते हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी कंसीडर कर सकते। वी टी वॉल्यूम ऑफ टी डिग्री सेंटीग्रेड, किसी भी गैस का वॉल्यूम टी डिग्री पर कितना कितना होगा, इनिशियल वॉल्यूम का कितना इंक्रीज हो जाएगा टी अपॉन 2 से बढ़ते। अगर यहाँ 1 डिग्री होगा तो यहाँ वी 1 लिखोगे, यहाँ 1 लिखोगे 1/2 से बढ़ती थी, सिंपल सी बात है। टी डिग्री इंक्रीज किया तो टी 2 से बढ़ती थी, उसके ओरिजिनल वॉल्यूम का इतना वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अब इसमें क्या करें, वी जीरो को कॉमन कर लें तो नया फार्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वी टी इक्वल टू वी जीरो, ये बन गया 1 प्लस अपॉन में टी अपॉन, इसमें भाई सीधा राउंड अपना करते हुए क्या लिया है इतना, यहाँ पर 273 लिखा, 273.15 होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो वी टी इक्वल टू नया फार्मूला क्या बन जाएगा, 273.15 प्लस टी अपॉन, ये टी है 273.15, ये आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। ये बॉयल सला, और बॉयल सला क्या बोलता है कि डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करोगे कितना भी तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा कितना, उसके ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 पार्ट इंक्रीज हो जाएगा, नोट कर लीजिए। बोल की ये किसको बोल की, आपस में बातें करते रहते हो तुम लोग, पूरा फार्मूला नोट करिए। चलिए नोट कर लिया, अगला फार्मूला प्रूव करेंगे। अब ये चार्ल्स ला की स्टडी कर रहे हैं हम, अब चार्ल्स ला क्या बोलता है दूसरी चीज समझे। चार्ल्स ला बोलता है V प्रोपोर्शनल टू T, दो गैस है V1 अपॉन, या इसी को पहले फार्मूला बना है, देखिए ये प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल में चेंज करें, और इक्वल में चेंज करने के बाद तो क्या बन जाएगा, V इक्वल टू के टी, के कांस्टेंट है, कल भी आया था के गैस कांस्टेंट है, अब टी को अपॉन में ले आओ क्या बन जाएगा, वी बाई टी इक्वल टू के, मतलब चार्ल्स क्या बोलता है वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशो कांस्टेंट होता है, एयर कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, बदल के लिख सकते हैं इसे V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, ऐसा भी फॉर्म है, ठीक है, नोट करिए चार्ल्स ला। फिर इसके ग्राफ बनाते हैं, क्या ग्राफ बोलता है इसका वो भी देखते हैं। जल्दी से लिखिए भाई,
अब हेडिंग लिखी है बॉयल्स लॉ, स्टेटमेंट लिखें दिस लॉ डिस्क्राइब, दिस लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन, द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ ए गैस, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। दिस लॉ वॉज प्रपोज्ड बाय, दिस लॉ वॉज प्रपोज्ड बाय जेकब चार्ल्स, जेकब चार्ल्स स्पेलिंग बोलूंगा जे ए सी क्यू यू ई एस, जैक्यूस चार्ल्स इन 1767 एंड वॉज फर्दर डेवलप, एंड वॉज फर्दर डेवलप इन 1802, इन 1802 बाय जोसेफ गैलुसाक, जोसेफ गैलुसाक अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1/273 by 1/273 of its volume, of its volume at 0 degree centigrade, at 0 degree centigrade for each degree rise or fall of temperature, pressure kept constant. एक बार फिर से बोलूंगा, ध्यान से लिखिए। The volume of a given mass of gas increase or decrease by 1/273 of its volume at 0 degree centigrade for each degree rise or fall of temperature. प्रेशर केप्ट कॉन्स्टेंट, आर्यन पाटिल लिख लिया, आर्यन पाटिल ने लिख लिया, मैंने डबल से रिपीट किया है। ये कौन है भाई, मानसी लिख लिया, आर्यन पाटिल फिर से लिखिए, सुनिए ध्यान से। द वॉल्यूम ऑफ ए गैस of given mass increase or decrease by 1/273 of its volume at 0 degree centigrade for each degree
rise or fall of temperature, pressure kept constant. आप बोलिए भाई आर्यन पटेल, साउंड प्रॉब्लम क्यों आ रही है? हाँ भाई, आसपास बिल्डिंग बन रही है, दीपावली का टाइम है, उसका साउंड आता है, आना भी चाहिए। तुम वैसे भी शर्मा सर की आवाज सुनते कहाँ? तुम तो यही चाहते हो कि आसपास से दूसरी आवाज आती रहे। लिखिए, अब जो बोर्ड पर फार्मूला प्रूव किया वो लिख लीजिए। V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 और V इक्वल टू KT। जो बोर्ड पर लिखा फार्मूला पूरा लिख लीजिए। ये चाल चला है। चलिए, अब इसके ग्राफ बनाएंगे। चलिए भाई, पहले ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद दूसरी बात करेंगे। बोर्ड पर मैं ग्राफ बनाऊंगा, आप भी बनाइए। कौन से चार्ल्स लाके, चार्ल्स लाके ग्राफ, इसमें डिजाइन करेंगे बोर्ड पर। क्या बोलता है चार्ल्स लॉ? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऐसा बोलता है। चलिए, पहला ग्राफ, इधर वॉल्यूम की स्केल रखिए और इधर आप सॉल्यूट टेम्परेचर, ये कैपिटल की केल्विन में होता है। ध्यान, यहां पर टेम्परेचर है ये -273.15। ये जो मैंने पॉइंट बनाया है, ये टेम्परेचर, ध्यान से देख लो। चलिए, अब देखिए थोड़ा लाइट ठीक है। ये है -273.15। यहां से वॉल्यूम और ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये ऐसे चलेगा। ये एक, ये प्रेशर है P1, दूसरा ये ऐसे चला, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P2 प्रेशर, प्रेशर चेंज होता है, कैसा बोला आप? ये P3 और यहां पर भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहेगा P4 और यहां पे लिखिए P1 ग्रेटर देन। P1 बड़ा है, P1 छोटा है, P2 बड़ा है, उससे बड़ा P3 है, उससे बड़ा P4 है, ऐसा कुछ लिखना लीजिए। हाई प्रेशर P4 है, इधर टेम्परेचर है। एक ग्राफ ये बनाइए, इसमें वो ये समझाना चाहता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन टेम्परेचर -273.15 से कम नहीं होना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाए। दूसरा ग्राफ बनाइए भाई, ये सेकंड ग्राफ, ये वॉल्यूम की स्केल है और ये 1/T की स्केल है, तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सीधी सीधी बात है, गलत हो गया नहीं? अरे 1/T का ग्राफ है तो इनवर्सली होगा।
तीसरा ग्राफ है यहां बना देते हैं। अब लॉग वी का ग्राफ है और लॉग टी का ग्राफ है, तो ये जीरो से स्टार्ट नहीं होता, यहां से स्टार्ट होगा और डायरेक्टली चौथा ग्राफ बनाइए भाई, बदल के दिया उसने। फोर्थ नंबर का ग्राफ है वी बाय टी से टेम्परेचर का ग्राफ और ये कॉन्स्टेंट है स्टेटलाइन। फिर एक लास्ट में एक ग्राफ और बनाएंगे। ये चार्ल्स ला के चार ग्राफ है। हरिओम। ये चार्ल्स ला के चार ग्राफ बनाए। जब आप डायग्राम बना ले सब तो बोल। चलिए भाई ग्राफ जिन्होंने बना लिए ओके करिए। ये कौन है भाई? साक्षी पवार ने लिख दिया। आर्या ने लिख दिया। बोलिए भाई बाकी लोगों की क्या पोजीशन है? द्रुति राजपुरोहित मानसी सब ने लिख लिया है। चलिए भाई अब एक स्टेटमेंट लिखें और जिस ग्राफ को मैं बोर्ड पर बना के रखूंगा उसी के बारे में लिखें, बाकी के बारे में बात नहीं। तो आप देखते हैं आपकी किस्मत में कौन सा ग्राफ बचे। आपके सामने बचा ग्राफ नंबर 5 और इसको ध्यान से देखिए।
ग्राफ नंबर फर्स्ट आपके सामने बचा हुआ है, इसी के बारे में स्टेटमेंट लिखेंगे। पहले समझा देता, देखो ये वॉल्यूम की स्केल, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर दिखे। ये टेम्परेचर की स्केल लिखा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और यहाँ टेम्परेचर क्या लिखा है, ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट का टेम्परेचर क्या है, -273.1। ठीक है, इस टेम्परेचर पर ध्यान से देखोगे तो ये वॉल्यूम की स्केल, और वो वॉल्यूम क्या होगा, जीरो। मैं यहाँ लिखूंगा क्या होगा, एक -273.15 टेम्परेचर, द वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी जीरो। ये स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए। अब सोचो जो ग्राफ में दिखता था मैंने वही बोर्ड पे लिखा है, और शायद आपको समझ में नहीं आ रही। ग्राफ में ये दिखता है कि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, गैस का वॉल्यूम जीरो होता है। बताओ किसी गैस का वॉल्यूम जीरो पॉसिबल है? जीरो वॉल्यूम हो गया मतलब वो दिखना ही बंद हो गया, है ही नहीं गैस होता, इंप्रेशन ही खत्म हो गया। इट इज इम्पॉसिबल, गैस का वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता। ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, इमेजिनरी कंसेप्ट, ग्राफ के अकॉर्डिंग ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। देख, इसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं इस टेम्परेचर को, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, या एब्सोल्यूट जीरो, दो नाम से इसको जानते हैं। तो इस पूरे स्टेटमेंट को लिखेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ग्राफ वी कैन सी दैट द वॉल्यूम ऑफ ए गैस, दैट द वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट -273.1 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी जीरो। दैट मीन्स गैस विल नॉट एग्जिस्ट। The lowest hypothetical temperature is called absolute zero। इसको क्या बोलेंगे हम, absolute zero। चलिए भाई, नोट कर लिया होगा सबने, एब्सोल्यूट जीरो की डेफिनेशन लिखना थी, लिख चुके हैं। आगे बढ़िए, ग्राफ तो आपके पास पहले से बना, ग्राफ पहले से बना हुआ था, हमको उसके बारे में लिखना था, जैसा लिखना था हम अब आएगा हेडिंग लिखिए, आईडियल केस इक्वेशन। क्या स्टडी करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन, क्या होती है आइडियल गैस देखते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन में आता है बॉयल और चार्ल्स लॉ को मिक्स जब करते हैं तो आइडियल गैस पैदा होती है। कैसे, वी प्रोपोर्शनल 1/P। नंबर वन किसके ला से है, बॉयल्स ला, पहला। दूसरा क्या है,
v प्रोपोर्शनल टू p, इक्वेशन नंबर सेकंड कौन सा ला है, चार्ल्स ला। इस पे कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर। इस पर कांस्टेंट क्या है, प्रेशर। ये दोनों ला अभी आपने स्टडी की, वाइल्स एंड चार्ल्स ला, दोनों को मिलाते हैं, वी दोनों में कॉमन है, क्या बन जाएगा, वी प्रोपोर्शनल टू के अपॉन पी। ये बन गया। अब v प्रोपोर्शनल टू p बाय p, ये नया फार्मूला आया, कांस्टेंट पुट अप करें, इसमें कांस्टेंट पुट अप करेगा तो ये इक्वल में चेंज हो जाएगा, इस p को इधर ले आओ तो फार्मूला क्या बन जाएगा, pv इक्वल टू कांस्टेंट भी पुट अप कर लें k और p, k कांस्टेंट, इसको बोलते हैं k को गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, गैस कांस्टेंट। और ये पर्टिकुलर गैस के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होता है, कांस्टेंट तो है पर पर्टिकुलर गैस के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग हो। के की वैल्यू क्या होती है, के खुद एन आर का इक्वल होगा, तो के प्लस का अपन यहाँ क्या रखते हैं, एन आर पी वी इक्वल टू एन आर पी, इसी का नाम क्या है, ये P, B और T का रिलेशन है, R तो कांस्टेंट है ना, L गैस के मोल, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू इसी फार्मूले से हम कैलकुलेट करें, तो इसमें से R का फार्मूला निकालना है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये R अलग निकाला, तो N और T तो अपॉन में चले जाएंगे और P, B ऊपर आ जाएगा, इससे हम R की वैल्यू पता कर सकते। अब R की वैल्यू पता करोगे तो तीन वैल्यू है जो अलग अलग यूनिट में अलग अलग है, P प्रेशर, V वॉल्यूम, वॉल्यूम की भी यूनिट अलग अलग होती है, सेंटीमीटर भी होती है, सॉरी वॉल्यूम की यूनिट लीटर होती है, ml होती है, बदल जाएगी। T टेम्परेचर, कभी बार में आएगा तो कभी टोर में आएगा, कभी एटीएम में आएगा, तो आर की वैल्यू बदलती है, तो आर की तीन वैल्यू यहाँ लिख देता, एक 0.082, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं आर की तीन वैल्यू रखना पड़ेगा, वो न्यूमेरिकल में मिलती है एक तो ही। दूसरी आर की वैल्यू होती है 8.314, यहाँ प्रेशर वॉल्यूम चेंज होगा यूनिट में तो ये बदलती रहेगी, तो आर की वैल्यू होती है 2 किलो किलो कैलोरी में 2 हो जाएगा, ये सिंपल। तो अभी हम यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन की बात करेंगे, इसको पहले दूसरा लिखेंगे, फिर आर की वैल्यू लिखेंगे, अभी ये काम आएगी, फार्मूले इसके प्रूव कर देंगे, पी क्या होता है, वी क्या होता है, डिटेल इसके यहाँ से आंसर आए ये सुन जाएंगे, पर पहले ये लिखिए भाई आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन में लिखिए, बोर्ड पर लिख लीजिए बस, वो तो आ गई आइडियल गैस को, क्या उसमें लिखना थोड़ी देता, बॉयल और चार्ल्स लॉ से हमने आइडियल गैस को प्रूव किया। ये पीवीटी का रिलेशन, पीवीटी नाम दिया है।
बोर्ड पर से जब आप लिखेंगे तो बोलिए आगे जानी वट इज आर इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। आर का मतलब क्या है, अभी फार्मूला लाएंगे इसका बोल दो। आर इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, आर का पूरा नाम ले यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, और इसकी सभी गैस के लिए वैल्यू सेम बदल के लिए मान। अब R के फार्मूले से R की वैल्यू कैलकुलेट कर, तीन फार्मूले हैं, तीनों अलग अलग लाइन। एक किलो कैलोरी को कैलोरी में सी है कैलोरी, R की वैल्यू कैलोरी में टू कैलोरी। चलिए नोट कर लिया, हाँ ना बोलिए भाई, नोट कर लिया सबने। कोई नहीं बोलता, सब पढ़ते पढ़ते सो जाता। अब आर की वैल्यू का फॉर्मूला लगेंगे, ठीक है। ये आइडियल गैस इक्वेशन है, अब आर की वैल्यू आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है और आर का फार्मूला क्या निकाला हमने आइडियल गैस से, आर इक्वल टू पीवी अपॉन एन। अब इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो वैल्यू जब आप पुटअप करोगे तो अलग अलग इसकी वैल्यू है, प्रेशर की वैल्यू लिखेंगे 101325, ये प्रेशर की वैल्यू है, प्रेशर की वैल्यू लिख दीजिए 101325 न्यूटन मीटर इनवर्स टू, ये प्रेशर की वैल्यू है। अब लिखेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है गैस का 22.4 × 10³, ये गैस का वॉल्यूम है -3 m³, ये पावर माइनस है, -3 m³ अपॉन अपॉन में m क्या रखे, 1 mole इंटू टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर 273 केल्विन, तो इसका आंसर आ जाएगा 8.31
4 जूल के माइनस जूल केल्विन इनवर्स इनटू मोल इनवर्स, जे का मतलब जूल। लिख लीजिए इसकी वैल्यू, यहां से कैलकुलेशन की है उसकी, पहली जो वैल्यू आपने आप दूसरी वैल्यू लिखेंगे आर की, वैल्यू बदलेंगे लीटर एटीएम में आएगी। देखो फार्मूला यही है, आर इक्वल टू पीवी अपॉन एनवी। अब यहाँ लीटर एटीएम में लाए तो प्रेशर कितना रखें 180, वॉल्यूम कितना रखें एएसटीपी का काम इतने पीवी हो गया। पीवी के बाद वन मोल एन टू पी 273 केल्विन, तो आंसर आ जाएगा 0.0821 यूनिट वाला लीटर। इसकी यूनिट बनेगी लीटर एटीएम, ये तो दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, ये केल्विन इनवर्स इनटू मोल इनवर्स। तो लास्ट वाली वैल्यू है टू कैलोरी, वो तो डायरेक्ट ही आपको ये समझ में आ जाना कि एसटीपी पे सेकंड का स्टैंडर्ड टेंपरेचर है। चलिए नोट कर लें तब आना बोलिए। लिख लिया मुद्रा ने बोला, यस मुद्रा ने लिख लिया, अनुराग ने भी लिख लिया, सब ने लिख लिया। अगली बात करें आप, चलिए अब फिर से वापस आइडियल गैस इक्वेशन में चलते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरपी में, और कोई नई चीज लेकर के आते हैं। क्या नई चीज आएगी देखिए, ये देखिए पीवी इक्वल टू एनआरपी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन मोल, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। तो एन की वैल्यू ला, एन क्या है, एन का मतलब तो मोल है, और मोल का मतलब आप पढ़ चुके हो पहले, मोल का मतलब होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। डब्ल्यू बी क्या है, वेट ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ गैस, अगर गैस की बात कर रहे हैं, ये तो पेपर स्टडी पढ़ रहे हैं, तो गैस ही है, तो मोल का मतलब होगा वेट ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ गैस, इससे मोल पता चलेगा। तो एन की वैल्यू यहां ला करके तब कर दीजिए, पीवी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी आर इंटू पी, ठीक है।
एक काम करें, ये बी को भी इसके अकाउंट में ले आएंगे, अरेंज कर दें, हो जाएगा पी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू बी इंटू आर डी, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब भाई एक डेल सिटी का फॉर्मूला है, डेल सिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसा फॉर्मूला है। और यहाँ मास क्या पता किया हमने डब्ल्यू, तो मास अपॉन वॉल्यूम, अरे डब्ल्यू बी का मतलब मास ही है ना, डब्ल्यू बी का मतलब वेट भी होता मास भी होता, तो डब्ल्यू बी क्या हो गया मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम ये इतनी चीज क्या है, अरे डब्ल्यू बी डेंसिटी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन वी, मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी, तो इसके प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं फार्मूले में डेंसिटी पी इक्वल टू बी अपॉन एम बी इंटू आर टी। आपको पता क्या करना है, मोलर मास, गैस का मोलर मास पता करने का फार्मूला है एम बी को धरना, एम बी इक्वल टू डी अपॉन पी इंटू आर टी। ये इसी के लिए प्रूव किया है, कभी गैस का मोलर मास आपको पता करना रहे तो इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। नोट करिए, आसपास से जो साउंड आता है वो मन की, वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आप जो आपके स्वास्थ्य के लिए जो लाभदायक है उस साउंड को सुनिए, उसकी आवाज ध्रुति राज पुरोहित ने बोल दिया भाई यस एक गायब, धीरे धीरे सब गायब हो जाए, 5-10 मिनट क्लास अगर ज्यादा चल गए तो 5-7 तो भाग ही जाते हैं। चलिए भाई डन बोल दिया है, आगे बढ़ते हैं। ये फार्मूला है जो काम आएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आइडियल गैस की स्थितियां करने में। अब हम तीसरे लॉ पर जिसको बोलते हैं ग्राहम डिफ्यूजन लॉ, क्या बोलते हैं इसको ग्राहम डिफ्यूजन लॉ, ग्राहम डिफ्यूजन लॉ। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, डिफ्यूज होना मतलब गैस की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है गैस की, के गैस जिस कंटेनर में पैक होती है उससे भागना चाहिए, जैसे 11th के स्टूडेंट है पढ़ने से भागना, इसी तरह गैस की प्रॉपर्टी कि गैस जिस कंटेनर में क्लोज होती है पैक होती है उससे निकल के भागना चाहिए, मतलब गैस की प्रॉपर्टी क्या है, गैस हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर के साइड ऑटोमेटिक फ्लो मूवमेंट कर, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैस।
कभी कभी इसको डिफ्यूजन भी बोलते हैं, क्योंकि अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं, कभी तो उसको डिफ्यूजन बोल के बाद में सोचा इंडियन कंट्री वालों को परेशान कर, तो डिफ्यूजन को इफ्यूजन भी बोल देते हैं। तो इफ्यूजन ऑफ गैस और डिफ्यूजन ऑफ गैस एक ही बात। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या है, गैस ऑटोमेटिक हाई प्रेशर से लो प्रेशर के साइड फ्लो करती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, इससे रिलेटेड ग्राहम का डिफ्यूजन हुआ है कि किसी भी गैस का डिफ्यूजन का रेट उसकी डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली होता है। समझा, पहले ये पता करेंगे डिफ्यूजन रेट क्या होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, अपने को रेट पता करना है कि डिफ्यूजन का रेट क्या है किसी भी गैस के लिए। क्या पता करें, फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस जो डिफ्यूज हुई अपॉन टाइम टेकन, कितने टाइम में वो डिफ्यूज हुई। तो आप टाइम से डिवाइड करके उसका डिफ्यूजन रेट पता कर सकते। अब ग्राम डिफ्यूजन लागू करते हैं, डिफ्यूजन का रेट क्या है किसी भी गैस के रेट, डिफ्यूजन रेट फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन टाइम, बस ये पर सेकंड आ जाएगा, एक सेकंड में कितनी डिफ्यूज होगी। ग्राम डिफ्यूजन ला है कि किसी भी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन उसकी डेंसिटी का स्क्वायर रूट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख करके समझा। मान लीजिए कोई फर्स्ट गैस है तो आर वन, आर वन मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस इज इनवर्स टू द अंडर रूट वन अपॉन डी वन, डी वन डेंसिटी है, वन लगा दिया मतलब फर्स्ट गैस के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यही मैंने स्टेटमेंट बोला, मतलब ग्राम ने बोला, मैंने क्या बोला, ग्राम के स्टेटमेंट को बोला, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज इनवर्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन चेंज नहीं होना चाहिए। ये एक गैस, तो दूसरी गैस के लिए क्या हो, आर टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी टू, या आर वन आर टू का रेशो बना लो, प्रोपोर्शनल साइन खत्म हो जाएगा, क्या बन जाएगा, आर वन अपॉन आर टू इक्वल टू अंडर रूट डी टू अपॉन डी वन। ये बन गया फार्मूला, हमने कॉन्सेप्ट पुट अप नहीं दिया, फार्मूला अपने आप पता चला। बताओ आर वन इसका इनवर्सली हो गया, आर टू इसका इनवर्सली हो गया, अंडर रूट डी टू अपॉन डी वन, डी वन डी टू क्या है गैस की डेंसिटी। अब देखो आप इन बिहेवियर ये जानते हो कि दो लोग हैं, एक तो दुबला पतला है सिंगल फ्रेम और एक हैवी बॉडी है, दोनों को रन कराइए आगे कौन निकलेगा, इम्पल्स, क्यों, कि उसका मास और उसकी डेंसिटी कम है तो वो फास्ट मूव करेगा और जो हेल्थी होगा वो वही ढेर हो जाएगा। तो समझाने का मतलब है जिस गैस की डेंसिटी हायर होती है वो स्लो मूव करती है और जिस गैस की डेंसिटी लोअर होती है वो फास्ट मूव करती है, तेजी से चले। ये ग्राम डिफ्यूजन, ग्राम ने बोला जिन गैस की डेंसिटी लोअर है वो फास्ट मूव करेगी और जिनकी डेंसिटी हायर है वो स्लो मूव करेगी, उनका रेट डिफ्यूजन स्लो मूव करेगा। अब चलते हैं डेंसिटी का फार्मूला रहता है, ये गैस की बात कर रहे हैं तो वेपर डेंसिटी है, तो आपको पता है मोलर मास ऑफ गैस इक्वल टू टू इंटू वेपर डेंसिटी, फार्मूला पढ़ चुके हैं, मोलर मास ऑफ गैस इक्वल टू टू इंटू वेपर डेंसिटी। तो आपको तो डेंसिटी चाहिए ना, डी वन डी टू चाहिए, तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला लाओ, ये आया वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलर मास अपॉन
यहां लाके खत्म कर दो, क्या आ जाएगा? क्या लिख देगा? आर वन अपॉन आर टू इक्वल डी टू का मतलब क्या होगा? डी टू वेपर डेंसिटी, सेकंड गियर एम टू बाई टू, तो यहां क्या लिखेंगे? एम टू अपॉन टू अपॉन डी वन का मतलब क्या हो जाएगा? ये फार्मूला मोलर मास अपॉन टू, एम वन अपॉन टू, टू से टू कैंसल, फार्मूला क्या बचा? आर वन अपॉन आर टू अंडर रूट एम टू अपॉन एम वन, मतलब जो मटेरियल हेवियर मास का होगा वो स्लो चलेगा, जो गैस मास ज्यादा रखती है हेवियर गैस होगी वो स्लो मोशन करेगी, स्लो मूवमेंट करेगी, उनका डिफ्यूजन रेट स्लो होगा, और जिनका मास लोअर होगा वो गैस फास्ट मूव करती है, यही ग्राम डिफ्यूजन। लेकिन बोर्ड पर से फार्मूला नोट करने से पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू ग्राहम डिफ्यूजन लॉ, अकॉर्डिंग टू ग्राहम डिफ्यूजन लॉ, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस is inversely proportional, is inversely proportional square root of their density, square root of their density, ठीक है? At नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल कंडीशन होना चाहिए टेम्परेचर प्रेशर की, वो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर जब चेंज होंगे तो ये फार्मूला बदलेगा, वो आएगा कल, आज तो इतना ही ना होगा, यहां से लिख लीजिए। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, वॉल्यूम अपॉन टाइम, किसी गैस का वॉल्यूम पता करो और टाइम में डिवाइड कर दो। देखिए भाई, अकॉर्डिंग टू ग्राहम डिफ्यूजन लॉ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। फिर से एक बार रिपीट करता, अकॉर्डिंग टू ग्राहम डिफ्यूजन लॉ the rate of diffusion of a gas is inverse to the square root of their density. At normal condition of temperature and pressure, temperature और pressure की normal condition होना चाहिए। चलिए चलिए लिख लीजिए बोर्ड पर सारी चीज, और यही क्लास हम करेंगे आज, कल टाइम टेबल देखते रहिए भाई पर डे, अगर क्लास कैंसल होती है तो मैसेज आएगा, नहीं होती है तो सेम टाइम पे, ठीक है? चलिए मैं लिख लिया अगर आपने अब तक तो लिख लिया तो हेलो हाय बोलिए और भाग जाइए घर अपने अपने क्लास से।